हाय, मेरा नाम रोहित है, मैं मेरठ से हूँ। क्योंकि 22 साल की उम्र है। मैंने अपनी लिम लेंथनिंग सर्जरी कराई थी। मेरा मेन इशू राइट में ही था। स्टार्टिंग में मैंने लेफ्ट में भी इसलिए ले लिया था मेडिसिन कि चलो कोई नहीं, थोड़ी सी वो भी अच्छे से और जुड़ जाए। तो लेफ्ट वाला मेडिसिन मेरा गिर चुका था, तो वो और थोड़ा और अच्छे से जुड़ चुका है, लेकिन मेरा मेन इशू राइट में ही है। ठीक है, तो जी 7 महीने 6 महीने पहले मेरा खाली लेफ्ट पैर जुड़ा था, राइट पैर में बिल्कुल भी वो नहीं थी, इम्प्रूवमेंट नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका चार आयुर्वेदा में, जहां नॉन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग के। मैं गवेशित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेशित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। ये एक्सरे है उत्तर प्रदेश के एक भाई का, जिनका लगभग साल भर पहले हाइट इंक्रीज करने के लिए, यानी कि हाइट बढ़ाने के लिए सर्जरी किया जाता है, और उसके बाद कुछ महीनों तक काफी प्रॉब्लम से वो गुजरने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है जार आयुर्वेदा से। किसी कारण से उनका वीडियो हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो उनसे जो कॉल है, कॉल पे बात करके उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये आपको सुनाते हैं। जी हाँ, नमस्ते भाई। हाँ नमस्कार भैया। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताओगे ना कि जो आपको दिक्कत था वो क्या दिक्कत था और किस प्रकार से आपने उसका ट्रीटमेंट पहले ले रहे थे? हाय, मेरा नाम रोहित है, मैं मेरठ से हूँ। 22 साल की उम्र है। मैंने अपनी लिम लेंथनिंग सर्जरी कराई थी। तो क्या हुआ था, ये सर्जरी मैंने कराई थी लास्ट अक्टूबर नवंबर के महीने में मैंने कराई थी। ऑलमोस्ट 1 साल 13 महीने हो चुके हैं जी। तो 7 महीने 6 महीने पहले मेरा खाली लेफ्ट पैर जुड़ा था, राइट पैर में बिल्कुल भी वो नहीं थी, इम्प्रूवमेंट नहीं थी। लेफ्ट पैर मेरा ब्रिज बन चुका था, जुड़ चुका था, ऑलमोस्ट वो जुड़ चुका था मेरा। अच्छा, तो फिर मेरे को आपके बारे में पता लगा था, मैंने यूट्यूब पे देखा था जार आयुर्वेदा आयुर्वेदा के बारे में, तो फिर वो मेडिसिन लेनी स्टार्ट करी है, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है थोड़ी थोड़ी। शुरू में आपने मेरे ख्याल से दोनों पैर का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था? हाँ, दोनों पैर का लेना स्टार्ट किया था, लेकिन वो लेफ्ट वाला मेरा जुड़ा हुआ था, वैसे लेफ्ट वाले ब्रिज बिना हुआ था। और 3 मेडिसिन के बाद एक्सरे जब हम लोग करवाए थे, तब क्या कुछ था उसमें भाई कंडीशन एक्सरे में? थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यही है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेरा मेन इशू राइट में ही था। स्टार्टिंग में मैंने लेफ्ट में भी इसलिए ले लिया था मेडिसिन कि चलो कोई नहीं, थोड़ी सी वो भी अच्छे से और जुड़ जाए। तो लेफ्ट वाला मेडिसिन मेरा गिर चुका था, तो वो और थोड़ा और अच्छे से जुड़ चुका है, लेकिन मेरा मेन इशू राइट में ही है, राइट ही मेरा मेन इशू था। अभी राइट में ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही है, तो वही मैं ले रहा हूँ। तो 3 मेडिसिन यूज करने के बाद दोनों पैर में, फिर हम लोग सिर्फ एक ही पैर का ट्रीटमेंट चला रहे हैं अभी, राइट लेग का, राइट? हाँ जी। तो राइट लेग का जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है अभी, क्या कुछ कंडीशन है अभी? कंडीशन तो खैर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, हो रही है। और डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने तो नॉन यूनियन के लिए बोल दिया था, उन्होंने सर्जरी बोल दी थी। अच्छा, सर्जरी के लिए कब बोला था उन्होंने? सर्जरी उन्होंने 1.5 महीने पहले बोली थी। अच्छा, और इस बार एक्सरे देख करके क्या बोला? नहीं, 1.5 से 3 महीने पहले उन्होंने मेरे को सर्जरी बोल दी थी, अगस्त के महीने में मेरे को सर्जरी बोल दी थी। तो मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था, फिर 1.5 महीने बाद मैंने एक और एक्सरे कराया, उसमें थोड़ा बहुत मेरा एक रिजल्ट आया था, तो फिर उन्होंने कहा कि आप वेट करो, 1.5 महीना वेट करो। फिर मैंने 1.5 महीना फिर दोबारा वेट करा, अभी मैंने लास्ट वीक एक्सरे कराया था, तो उसमें बहुत माइनर सा क्या बोलते हैं एक चेंज था एक्सरे में मेरे, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी 6 हफ्ते और वेट करो। अच्छा, मतलब शुरू में आपका 3 महीने पहले वो आपको नॉन यूनियन करार दे करके ग्राफ्टिंग के लिए बोल रहे? हाँ जी, हाँ जी। और अभी वेट करने के लिए बोल? हाँ, अभी वेट के लिए बोला है। चलो ठीक है, मतलब कहीं नहीं तो कहीं डॉक्टर को दिखा होगा कैलस बनते हुए। हाँ जी। आपका बन रहा है भाई कैलस, तो थोड़ा स्लो है, और लेंथनिंग वाला जो सर्जरी होता है वो हमेशा कभी भी बहुत स्पीड से नहीं भर सकता, ठीक है, क्योंकि गैप काफी ज्यादा होता है, तो ये आपका स्लो स्लो भरेगा। और अब लगभग कितना टाइम आपको हो चुका है भाई ट्रीटमेंट लेते हुए जा रहा है? कि 3 आपका शुरू में था और उसके बाद 4 मेडिसिन आपको गया है, टोटल 7 हुआ। 7 मेडिसिन ऐसी गई है। हाँ हाँ, अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है भाई, देखो आपका धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है,
और आगे जा करके हम उम्मीद करेंगे कि जो आपका पूरा पूरी भर जाए, जिस तरीके से आपका लेफ्ट लेग भरा हुआ है ना, जी उस तरीके से आपका राइट लेग भी भर जाए। बस यही है कि इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। ठीक है सर, आपके हिसाब से कितना टाइम और लग सकता है? मतलब आप तो इतने इतने ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से कितना टाइम लग सकता है? देखो भाई, आपका जुलाई से शुरू हुआ है हमने देखा, हाँ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आपका चौथा महीना कंप्लीट हुआ, 4 महीने आपको हुए हैं। ठीक है, पूरा पूरी। हाँ जी हाँ जी तो अब आगे जाकर के आप मान के चलो 2-3 महीना में आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। 2-3 महीने और भी पूरा क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भाई, और 2-3 महीने लग जाएंगे आपका। हाँ जी हाँ जी प्रॉब्लम अलग है, ये आपका फ्रैक्चर नहीं है ना भाई, हाँ जी है ना, कि आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब ब्रिज बन जाएगा ना आने वाले 2-3 महीने में। बिल्कुल, अभी आप देखोगे जो ब्रिज, जहां तक ब्रिज बनने की बात है, अभी आप देखोगे आपका लगभग 30-40% ब्रिज बना हुआ है। अच्छा, और वो पूरी तरीके से 80-90% तक जाने के लिए अभी और 2-3 महीने। ओके ओके, और फिर आपको कोई ग्राफ्टिंग वगैरह के लिए नहीं बताया जाएगा। ओके, बस वही है कि सर मेरी ग्राफ्टिंग ना हो, बस नेचुरली बन जाए। नहीं भाई, अब तक अगर नहीं हुआ, जब डॉक्टर बोले कि वेट करो, इसका मतलब उनको दिखा पहले तो बनता है, तभी उन्होंने बोला है ना, यही चीज है। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, बस आप टाइम से मेडिसिन वगैरह यूज करते रहो, जो भी प्रॉब्लम होता है शेयर करते रहो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, तो जरूर हम भी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी हालत में ग्राफ्टिंग के लिए ना भेजना पड़े। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, चलो भाई, और फिर कोई दिक्कत होगा तो खबर करना। ठीक है जी, और ये जो मेडिसिन आपको भेजा गया है, रिसीव होता है तो खबर करो। ठीक है ठीक है, ओके भैया, चलो भाई, हाँ हाँ जी हाँ जी, चलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार भैया, धन्यवाद भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जितना हो सके, उनसे जितना हो पाया उतना हम लोगों को देने का कोशिश किया। हम सभी के लिए उन्होंने बात किया और अपना जो सिचुएशन है इसको बताने का प्रयास किया। और ये जो कंडीशन है, ये सर्जरी के बाद ज्यादा समय लगना लाजमी है, तो हम उम्मीद करेंगे और विश्वास भी है हमें कि धीरे धीरे से उनका जो कैलस है वो पूरा बन जाएगा और उनकी हड्डी फिर से पुराने तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करते हैं आपके अगल बगल, आपके दोस्त मित्र या फिर संबंधी जो भी हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करो। जो भी इस तरीके का समस्या से परेशान है, उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल, और अगर आप भी इस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हो और आपको नहीं समझ आ रहा है, आप कोई सजेशन या गाइडेंस लेना चाहते हो, तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो, www.jharaayurveda.com पर, वहां पर आप जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो बस इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ध्यान रखें अपना और अपनों का, तब तक के लिए नमस्कार।